तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। इसका साइज है 45x40 45x40 फुट में मकान बना हुआ है। हमारे पेड यूजर थे, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया था और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मॉडल क्रिएट किया गया है। और ये दोस्तों शायद वो ग्रामीण क्षेत्र में ही घर बनवा रहे हैं, तो उसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरा डिजाइन मैंने क्रिएट किया है जो उनको चाहिए था। उनको बेडरूम्स काफ़ी बड़े चाहिए था, क्योंकि गांव में दोस्तों बड़े बेडरूम्स की आवश्यकता होती है, तो उन्हीं के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आज हम इस मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं। उनका फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं ऐसा है, और साइड में दोस्तों क्लोज है, बट उनका पीछे को जगह है, इस वजह से मैंने यहाँ पर विंडो दे दिया है जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती थी। और इस साइड भी उनका क्लोज ही है, किसी दूसरे का मकान या जगह होगी। तो ये तो फ्रंट होने वाला है, तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे 45x40 में। तो ये दोस्तों नॉर्थ फेसिंग है, वास्तु के अकॉर्डिंग घर डिजाइन किया गया है। इसमें आपको बेडरूम, लिट बाथ, किचन, स्टेयर्स और स्टोर रूम प्लस बारंदे का डिजाइन भी देखने को मिलता है। तो आज हम इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखना होगा। साथ साथ चैनल इस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले इसे हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, जिससे इसका रियलिस्टिक व्यू आपको समझ में आ जाए। इसकी ग्रिल वगैरह आप देख लीजिए, बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने डिजाइन करने की कोशिश की है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पिलर का डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, तो पिलर लगभग 1.5 फीट का, मतलब कि 15 इंच के अप्रॉक्स, ज़्यादा 15 इंच से ज़्यादा ही बनाने होंगे। और यहाँ पर 3 पिलर के साथ इसका बड़ा सा एक बीम पड़ा हुआ है, जिसमें मोल्डिंग का डिजाइन है। साथ साथ इधर एक बेडरूम है बड़ा सा, इसी वजह से फ्रंट से विंडो भाई दिया है। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। फ्लोर है देख सकते हैं, मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ, स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे दोस्तों, बड़ा सा बारंदा एक देखने को मिलता है। यहीं पर आप एंट्री करेंगे तो मैं टॉप व्यू आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका बारंदे का डिजाइन होने वाला, ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा। इसका मेन डोर आपका ये है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको मैंने एक गेस्ट रूम दिया है बड़ा सा, देख सकते हैं गेस्ट रूम। और इधर आपकी एंट्री होगी मेन डोर से, उसके ऊपर मैंने जाल भी लगा रखा है जिससे और प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। साइड में भी एक विंडो छोटा सा दिया है, और ये एक आपका गेस्ट रूम है। और फ्रंट से आपको एक बड़ा विंडो देखने को मिलता है, डबल विंडो। अगर आप अंदर डोर देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, बट उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने उसको नहीं दिया। इसका मेन डोर आपका ये है जहाँ से एंट्री करेंगे, दोनों साइड आपका विंडो है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। और यहाँ पर दोस्तों मैंने एक बैनर टाइप का लगा रखा है, सीनरी लगा रखी है, और कुछ यहाँ पेड़ वगैरह है नहीं, बता सीनरी लगी हुई है। तो जब जैसे आप अंदर करते हैं तो आप डाइनिंग एरिया या आंगन में पहुँच जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा है। और इसके बाद इधर राइट हैंड पर आप देखिएगा तो बाथरूम अलग है, इनका लेट अलग है, ये देख सकते हैं ये बाथ है और ये लेट है। और इसका दो पीछे बेडरूम आपको देखने को मिलते हैं, दोनों बेडरूम के अलग अलग डोर है। और इस बेडरूम में मैंने एक अंदर से भी विंडो दिया है, और दोनों बेडरूम में क्योंकि इनकी पीछे जगह है, डबल विंडो मैंने दी है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, तो इधर आपकी स्टेयर्स हैं, इसे चढ़ा आप स्टार्ट करेंगे। और ये आपका दोस्तों इस कॉर्नर पर किचन है, जो कि यहाँ से देखिए डोर मैंने दिया है, किचन को भी वेंटिलेट करने के लिए पीछे विंडो बड़ा सा दिया है। और इसके बाद ये आपका स्टोर रूम उनको रिक्वायर्ड था, तो ये उनका स्टोर रूम है मैंने बना कर दिया है, ये डोर उनको यहाँ से दिया है। तो ये देख सकते हैं बेहतरीन सा 3 बेडरूम, और रूम का साइज तो बहुत ही बड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र के प्रॉपर तरीके से यहाँ डिजाइन मैंने करने की कोशिश की है। गेस्ट रूम, 2 बेडरूम, किचन, स्टोर रूम, स्टेयर्स, आंगन, बाथरूम, लेट और ये बारंदे के साथ बेहतरीन सा डिजाइन। मैं फिर से आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, जिससे इसका रियलिस्टिक व्यू आपको समझ में आ जाए। और दोस्तों अगर आप ऐसे मॉडल चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। जहाँ पर आपको कुछ चार्ज देना होगा मैं आपको 2D+3D मॉडल बनाकर देता हूँ, जिसमें आपको सब कुछ डिटेल मेंशन रहता है। हमें कॉन्टेक्ट करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो कॉलिंग नंबर नहीं, इसका विशेष ध्यान रखें। व्हाट्सअप पर आप कॉन्टेक्ट करें या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बात करते हैं लास्ट फ्लोर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी, और ये एक विंडो और ये डोर जिससे आप छत पर आएंगे। फ्रंट में बेहतरीन से ग्रिल, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, और आपकी चारों तरफ
बाउंड्री वॉल है ग्रिल्स ने फ्रंट में ही आपकी लगी, साइड में उनको उनको शायद मैंने उनसे पूछा भी था, बट उनको ग्रिल की आवश्यकता नहीं थी, छज्जे की आवश्यकता नहीं थी, इस वजह से मैंने पीछे नहीं दिए है। अगर है भी तो आप 2 से 2.5 फीट बढ़ा सकते हो, उसमें कोई खास वजह नहीं होती है। तो ये पूरा मॉडल बेहतरीन तरीके से मैंने डिज़ाइन करने की कोशिश की है 45+40 में। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। थैंक